हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का 5th पार्ट। इसमें हमको देखना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वो होते हैं जैसे कि फर्टिलाइजेशन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो इन्वॉल्व करता है वेरियस इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। उसमें बहुत सारे और इवेंट्स होने बाकी रहते हैं जैसे फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इन सारे इवेंट्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो हमने इसके पहले पढ़ा था उसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो फ्यूज होते हैं और फॉर्म कर देते हैं सिंपल जायगोट का। अब वो जायगोट जो होगा डेवलपमेंट करेगा और एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा, इसी को हमें देखना है। अब हमें देखना है जायगोट के बारे में। तो जो जायगोट होता है वो फर्स्ट डिप्लॉयड सेल होता है एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसको हम जो फर्स्ट सेल होगा डिप्लॉयड सेल, ये जायगोट होता है सेक्सुअल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का। और जायगोट जो होगा वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी तब बनेगा जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, और फर्टिलाइजेशन अगर इंटरनल होता है तो जायगोट का फॉर्मेशन विद इन द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल होगा। जायगोट जो होता है ये वेरी सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है, एट इज फॉर्म ए वाइटल लिंक। ये बनाता है वाइटल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ वन जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन। जायगोट ही है जो वाइटल लिंक का काम करता है इंडिविजुअल्स के बीच जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। एंड एवरी सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिंस लाइफ एज अ सेल, सिंगल सेल द जायगोट। हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ एक सिंगल सेल जायगोट से ही स्टार्ट करता है। जायगोट से ही प्यूरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब सेकेंड होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि जायगोट के फॉर्मेशन के बाद जायगोट जो है डेवलप करना स्टार्ट करेगा। डेवलपिंग जायगोट में क्या होगा, जायगोट जो है वो एक बहुत ही कंटिन्यूस सेल डिवीजन में जाता है, सेल डिवीजन फेज में जाता है। और ये डिवीजन जो है वो क्लीवेज कहलाते हैं, ठीक है। इनको इन सम ऑर्गेनिज्म जायगोट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें जायगोट फॉर्म हो जाता है और रेस्ट में चला जाता है फेवरेबल कंडीशन आने तक। और तब जो फेवरेबल कंडीशन आता है इसके जायगोट के लिए, तब वो फिर स्टार्ट करता है अपने डेवलपमेंट को। तो एक जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, यानी जायगोट में सेल डिवीजन होना, उसके बाद उसके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट जो होता है और फॉर्मेशन ऑफ ए अडल्ट ऑर्गेनिज्म, यही एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है।